सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर, तुहाडा सब दा स्वागत है साडे चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री, जिस से अज मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ता। तो मलाई कोफ्ता मैं किस तरह बनाऊँगी, आओ वेखिए। सब तो पहले मैं आलू लै रही हूँ, फिर आप वेजिस पा लेंगे। एक शिमला मिर्च है, धनिया है, तो गाजर है। एक इन्हों सारे मिक्स कर लेंगे मैं, क्योंकि मलाई कोफ्ता थोड़ा जो सब्जियां वधिया तरह पई हो ना, तो बहुत वधिया लग गई, टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। आलू मैं हुण गर्म किए सी, तो गर्म ने बहुत ज़्यादा, नाले मैं पनीर भी ये मैश कर लाँगी। दो आलू लेने पाइए, पनीर ला रही हूँ। क्योंकि आप जी बिल्कुल मार्केट वर्क बनाना है ना, थोड़ा मैश करते रहना। हम सारी सब्जी अच्छी तरह मिक्स कर ली है, तो यह तो मॉइस्चर है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मैं तलन की कोशिश करूँगी ना तो यह खिलर जाएगा, तो इस करके ये मैं मैदा ऐड करूँगी। हूँ चार तो पाँच चम्मच मैं लिया मैदा, तो आप एक वधिया डो बना के तैयार करेंगे। ये जो तुम ये पोहे का जो ज़्यादा मतलब कि आलू जो पिलपिले जो होना, तो पोहा पोहे को बरीक पीस के तो वह भी ऐड कर सकते हो, आटा भी बना के ऐड कर सकते हो। देखो वधिया तरह जो जो तुम इतने लगे कि मैदा होर बना लैन की लड़ है, तो मैदा भी तुम लै सकते हो। मैं चार तो पाँच चम्मच ले जाने मैदे से, हम देख सकते हो कि डो बन के बिल्कुल तैयार है। थोड़ा गोल कर लेना, क्योंकि आप कोफ्ता बना रहे हैं, एवें एक एक करके सारे गोले बना के तैयार कर लेंगे। सारे कोफ्ते बन के तैयार ने, तो तेल भी गर्म है। एक कोफ्ता पहले पा के देखोगे, पहले एक ही कोफ्ता पा के देखना, जे बिच मैदा घट होएगा तो फुट जाएगा, जे मैदा सही होएगा तो सही तरह जड़ा पक जाएगा। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना। तो मैं भी पहले एक ही पा के चेक कर रही हूँ कि मैदा किधर घट तो नहीं है। कोफ्ता बन के बिल्कुल तैयार है, यानी कि जो मैं मैदा पाए बिल्कुल सही से क्वांटिटी वो मैं मैदे कट लाँगी, तो बाकी कोफ्ते पा के फ्राई करेंगे। बिल्कुल किनारे पर छुटना है, मीडियम फ्लेम की हुई है इस टाइम, तेल जरा वधिया तरह गर्म होना चाहिए। हर वारी चार तो पाँच कोफ्ते पा के फ्राई कर लेना। और मेरे कोफ्ते बन के तैयार ने, मैं इन्होंने प्लेट च कट लाँगी। एवं बाकी जो बचे हुए कोफ्ते मैं तल के तैयार कर लाँगी। कोफ्ते बन के बिल्कुल तैयार ने, तो हूँ मैं दी वास्ते तड़का तैयार कर लेनी हूँ। तड़के वास्ते ला रही हूँ दो प्याज, दो बड़े प्याज ने, एक टुकड़ा अदरक दा, एक लसन दी गंढी, 12 जड़े टुकड़े ने काजू दे ने, ते छोटे मेरे को टमाटर से, जे तुहाडे कोल वड्डे टमाटर होण ते तीन लै लैणा, नहीं तो सब टमाटर लै लैणा छोटे। प्याज, अदरक,
लहसुन ते हरी मिर्च नूं मैं चॉप कर लिया। एक कड़छी मैं तेल दी ले रही हाँ, तेल हुण दवांगी गरम। आधा चम्मच जीरा पा रही हाँ, जीरा हुण चटक गया। तो हुण जिहड़ा चॉप किया होया प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, इहनूं मैं विच ऐड कर दाँगी। तो कड़छी चलावांगे ते इहनां नूं वधिया तरह पका लाँगे। प्याज भुज के बिल्कुल तैयार ने। 12 मैं टुकड़े काजू के पा रही हूँ, तो नाल ही मैं कटे हुए टमाटर पा रही हूँ। हम इतने मसाले भी मैं नाल ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मसाले के नाल जो टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं। एक चम्मच मैं नमक का पा रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी, 1/3 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच तेगी मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, इन्हों सारा मिक्स कर लेंगे। मसाले ऐड करते हैं, तो आधा ग्लास पानी का पा देंगे। हम ढक्के नूं पक्कन दवांगे। हम मैं एक बार चेक करांगी, देखो मसाला बिल्कुल बन के तैयार है। मैं ऑयल भी रिलीज कर देने। हम ये जड़ी आप मसाले नूं फ्लेम करती मैं बंद जार विच पा के पीस लाँगी। बिल्कुल थोड़ा जहा तेल रही है ला रही हैं, 2 चम्मच तेल हो गया गरम। 2 लौंग पा रही हैं, 1 मोटी इलायची, तो 1 तेज़पत्ता पा देंगे। इन नाल जो सब्जी का फ्लेवर होर भी बढ़ जाता। ग्रेवी मेरी बन के बिल्कुल तैयार है, इन ऐड कर देंगे। देखो ग्रेवी बन के बिल्कुल तैयार है, तो हम मैं सर्विंग बोल में कटांगी। पहले मैं कोफ्ते पा लाँगी। जो तुम तो खाने लगो ना उस टाइम मैं इन्हों ऐड कर लेना, क्योंकि जोड़े कोफ्ते ने बिच घुल जाते हैं। हुण मलाई कोफ्ता बन के बिल्कुल तैयार है, तो इन्हों तुम परांठे ना खाओ, नान ना खाओ या फिर मिसी रोटी ना खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो तुम भी अपने घर जरूर ट्राई करना।